that I think all are you okay. Please take care. All of you did. In last video, I have told you, I have started chapter 6 because of that there is a new, that's why I have started that. The chapter name is coordinate geometry. In that video, I have explained what is coordinate. And in that video, I have explained कोऑर्डिनेट मतलब अगर आपको एक कोऑर्डिनेट में एक्सिस होता है, एक्सिस में आपको कोई पॉइंट दिया होगा, पॉइंट मतलब पॉइंट को ई से इंडिकेट करते हैं या फिर पॉइंट को लेटर से, जैसे कि पॉइंट मतलब जिसमें आपका, आपको मैं बताया कि कोऑर्डिनेट में टू एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो पॉइंट्स में भी टू वैल्यूज रहेंगे, एक एक्स एक्सिस का होगा जिसमें एक्स वन सॉरी एक्स और वाई, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट आप किसी भी लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं, ए पी या बी, किसी भी लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ग्राफ में इंडिकेट करना मतलब ग्राफ में पॉइंट करना मैं बता दी थी। ठीक है, आपको अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। टू पॉइंट्स दिए हैं, थ्री पॉइंट दिए हैं, जितने भी पॉइंट दो उन टू पॉइंट से जितने भी पॉइंट दिया, लेकिन डिस्टेंस तो किसी टू पॉइंट के मीडियम में, जैसे अब बता दिए कोऑर्डिनेट हो गया, सपोज हम लोग a इक्वल टू 5 माइनस 4, b इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, ये हो गया पॉइंट्स, टू पॉइंट्स दिया है। अब एक्सिस जो टू एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, जिसमें डाउन वाला नेगेटिव है, अप वाला पॉजिटिव है। ये राइट साइड आपका जो बल्ब सेंटर वो एक्स एक्सिस होता है, जो भी क्या होता है पॉजिटिव है, एंड द लेफ्ट साइड इज नेगेटिव है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप ओरिजिन की बताई थी, 0 0 से स्टार्ट होता है, 0 मतलब एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0। आप बताए यहाँ पे a इक्वल टू 5 दिया है, एक्स का वैल्यू है 2, वाई का वैल्यू है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है, जैसे एक्स इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 5 का ठीक है, y का वैल्यू कितना दिया है माइनस 4, मतलब y का वैल्यू माइनस है, डाउन साइड आएगा। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट तो x इक्वल टू प्लस 5, y इक्वल टू माइनस 4, यहाँ से ऐसे बेस करिए आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, टू पॉइंट यहाँ डायरेक्ट किया जाएगा, तो y सॉरी 5 हो गया, ये हो गया। अब और माइनस 3 है, माइनस 3 कहाँ पर होगा, x का भी तो माइनस 3 है, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 यहाँ पर होगा, y का वैल्यू कितना है माइनस 2, तो मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब आपको पूछेगा कि डिस्टेंस निकालो, मतलब ए बी का डिस्टेंस, ए बी निकालो तो मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है। ए बी टू पॉइंट है, एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट में डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फोर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला टू पॉइंट होगा, जिसमें एक्स का निकाल तो फॉर्मूला होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे उसका होल पावर क्या होगा, टू प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल पावर टू, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज राजेश का क्वेश्चन है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज सॉल्व कर दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे दिया, मतलब साइड में दिया है, ग्राफ नंबर 10 लिखा है, तो आपको ग्राफ दिया है, बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम क्यू एंड आर, मतलब जो पी से लेकर क्यू, क्यू से लेकर एक डिस्टेंस निकालना है, और क्यू से बी सर
बनेगा पी आर, जिसमें टी का पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या दिया है इसमें टी का 1 0, टू का क्या दिया है -1 and 3, टी का तो सेम रहेगा जिसमें 2 and 0 होगा, आर का क्या होगा 3 + 2। इसमें आपको ग्राफ लिखने में बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ आप देख के आपको सिर्फ फॉर्मूले में प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्यों निकालेंगे, पी क्यों निकालेंगे, तो पी का वैल्यू क्या होगा x2 - x1 है, पी का वैल्यू क्या होगा, पी फर्स्ट लेकर आ रहा है तो पी का वैल्यू 2 रहेगा, ये x1 ये y1, अगेन क्यू का क्या होगा, ये x2 ये y2, ठीक है। जो पॉइंट लेकर पहले लेगा उसका 1 में आएगा, लेकर बाद में लेगा उसका 2 में, ये हो गया। तो x2 क्या होगा आपका -1, फिर माइनस करके क्या दिया है x1, तो क्या होगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा 3 - 0, 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 - 2 - 3 का होल स्क्वायर, या फिर 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा -3 का, किसी नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसका अगर स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव में आता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो 3 का स्क्वायर मीन 9 9 9 + 9 कितना होगा 18। आप कैसे लिख सकते हैं या फिर आप आगे जाकर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका एलसीएम निकाल के वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट से बाहर जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, ये हो गया। एक बार फिर पी आर करके देखेंगे, तो पी आर जब करेंगे तो पी का x1 y1 ये आर का x2 y1 ये होगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और देना है, जैसे हम लिख लिया है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, पॉइंट ए बी सी दिया है, उसमें भी बोला है डिस्टेंस निकालना है सी ए बी एंड बी, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपने दिया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी 4। पॉइंट मतलब आप उसे उसको पी मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, देन फ्रॉम द ओरिजिन, लास्ट वीडियो एंड टुडे आल्सो आई हैव टोल्ड दैट एक्सिस आर ओरिजिन फ्रॉम 0 0, मतलब दोनों जो एक्सिस वाई एक्सिस एंड वाई एक्स एक्सिस दोनों स्टार्ट होते हैं 0 0, मतलब x1 = 0, ऐसा नहीं है x = 0, y = 0, ठीक है। इसमें ये होगा एक पॉइंट और जो पॉइंट है उन दोनों में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का डिफरेंस है, डिस्टेंस निकालना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है इफ पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है, जिसमें दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए, ए का पॉइंट क्या दिया है 2 and 0, बी का क्या दिया है -2 and 4, ये दे दिया है। अब बोला है इफ पी लाइज, ये आपका नाम का कोऑर्डिनेट बनाना है, इफ पी लाइज, पी मतलब लाइज का मतलब जो गुजरता है, मतलब किसी भी एक्सिस से वो मतलब लाइज करना, लाइज करना, इससे जैसे मैं बोलूंगी कि मेरा जो ए पॉइंट है यहाँ पे इस एक्सिस वर्टिकल लाइन में लाइज करता, तो मतलब ए इस पे ए, ठीक है, तो मतलब ये पी है कौन से एक्सिस में लिखा है, फिर पी लाइन ऑन द वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी जो पी का पॉइंट है वो किसी यहीं पे होगा, ठीक है, पी का हम नहीं जानते, यहाँ पे वाई एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। मतलब क्या होगा जो पॉइंट पी में, इसको कैपिटल लिख रही हूँ, पॉइंट पी का पॉइंट क्या होगा, ये पी जो स्मॉल पॉइंट है, ये स्मॉल पी भी लिखती है, या फिर आप जैसे लिख सकते हैं, आप एक्स भी कर सकते हैं कुछ भी, मैं कैपिटल पी लूंगी, ये जो स्मॉल पी है वाई एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में उसका कोई भी अगर पॉइंट जिस एक्सिस में होगा उसका ऑपोजिट एक्सिस 0 होगा, जैसे ये वाई एक्सिस में लाइन करता है तो वाई का वैल्यू तो पी होगा वाई में, लेकिन एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है, ये हो गया पी का वैल्यू, पॉइंट पी, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी लिख दे, ठीक है।
ये स्मॉल बी। ओके अब आपको क्या निकालना है पर PA, PA, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे एक बार PA निकालेंगे। तो P मतलब सबसे पहले क्या होगा, P का जो भी पॉइंट है वो H1 Y1 ये X2 Y वैसे होगा। तो क्या आएगा X2 में क्या आएगा, सबसे पहले 2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 मतलब 0 माइनस Y1 का वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर। ये होगा ये P है स्मॉल P का लेना। क्या आएगा सॉल्व करने को 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है क्या आएगा हमें 4 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया किसका PA, ये हो गया। अब उसी तरह आप PB भी निकालेंगे, जिसमें पी वी भी निकालना ठीक है कैपिटल पी वी अगेन एक्स का माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एक करेंगे। इसमें पहले तो क्या होगा एक्स टू मतलब अगेन चेंज हो जाएगा बी एक्स टू एक्स वन मतलब कम हो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ए का वैल्यू एक्स टू वाई टू वन उसी तरह बी का वैल्यू क्या हो जाएगा H2 Y2, तो क्या होगा Y H2 मतलब माइनस 2 से 0 तो होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस P का स्क्वायर, ये हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस P का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आपको कंडीशन दिया गया पी ए इक्वल टू पी मतलब पी ए क्या आया आपका रूट 4 प्लस रूट के अंदर पी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी भी आपको क्या आ रहा है 4 प्लस 4 माइनस पी का होल स्क्वायर और आप बात करते हैं रूट के तो वही आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस पी का स्क्वायर यहाँ पे 4 प्लस 4 माइनस p का होल स्क्वायर, इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ये क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे p का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब आप समझ रहे हैं इक्वल डिस्टेंस है दोनों में मतलब एक इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मतलब x का डिस्टेंस होगा ये जो पॉइंट दिया है मतलब ठीक है जैसा आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेशन निकालना किसमें एक्स का वाई से एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है इस द पॉइंट पॉइंट आपका जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट दिया है एक्स एंड वाई नो बोले आपको पॉइंट का सेंटर का सर बता को से पी और पी इक्वल टू एक्स एंड वाई ठीक है जिसमें ये इक्वल डिस्टेंस है दोनों का इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट मैं सपोज ए का वैल्यू आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं a equal to 7 and 1 and p equal to 3 and 5 ये जो पॉइंट p का है ना इक्वल डिस्टेंस है a से भी और b से तो क्या लिखेंगे क्योंकि आप समझ गए क्या करना है क्वेश्चन फोर्थ जैसा ही होगा जैसे आप सबसे पहले क्या है इक्वल डिस्टेंस है सबसे पहले p का डिस्टेंस a से निकालना ये इक्वल टू p से डिस्टेंस निकाल के b का p भी और दोनों अगर इक्वल है क्या आएगा
PA इक्वल टू PB। ये निकाल देंगे तो x एंड y का रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप मतलब क्या निकालना है, स्लोप मतलब जैसा एंगल, एंगल निकालना। अभी हम लोग से जो इस एक्सरसाइज में क्या हमने दो पॉइंट दिया होगा, तो पॉइंट में डिस्टेंस निकालना है। इस नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप निकालना। तो टू पॉइंट रहता है, मान लो सबको ये टू पॉइंट यहाँ पर हम लोग होता है ग्राफ में, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ एक पॉइंट। तो यहाँ हम लोग जब पॉइंट मिलाते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं। बोला स्लोप निकालना मतलब यहाँ से इसके बीच में कोई एंगल जो बना है ये एंगल निकालना एंड नेक्स्ट वीडियो में बताना, ठीक है। तब तक आप एक्सरसाइज 1 एंड 2 सॉल्व करिए, ठीक है।